दोस्तों, अभी हाल ही में रिलीज हुई स्त्री 2 मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया है। इस मूवी ने इस साल 600 करोड़ रुपए को संदार कमाई की है, जो कि यह शाहरुख खान के जवान और पठान मूवी के बाद तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी मानी जाती है। इस मूवी के लीड रोल में श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी जैसे बेहतरीन कलाकार थे, जिनकी शानदार एक्टिंग की आजकल खूब तारीफ हो रही है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को इसी स्त्री 2 मूवी के कुछ जबरदस्त बिहाइंड द सीन्स और इससे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा कि आखिरकार इस सुपरहिट मूवी की शूटिंग कैसे हुई थी। दोस्तों, अगर आपने स्त्री 2 मूवी को देखा है तो आपको यह पता होगा कि इसके शुरुआत में हमें चंदेरी गांव दिखाया जाता है और इस समय रात का समय रहता है, जिसके कारण इस समय स्त्री चंदेरी के किले तरफ एंट्री लेती है। और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कुछ स्त्री की एंट्री वाले सीन को किस प्रकार से शूट किया जा रहा है। फिर इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इसी समय एक लड़की बाहर घूमते हुए सिगरेट पी रही होती है, तभी उसके सामने से फुटबॉल जैसा कुछ आता है। इसके बाद वह उसे उठाती है, लेकिन जब उसे उठाती है तो यह पता चलता है कि वह कटा हुआ सर है, और वह कटा हुआ सर उस लड़की को अपने बाल में बांध कर हवा में उड़ते हुए ले जाता है। और आप इस बिहाइंड द सीन वीडियो में देख सकते हैं कि उस सीन को किस प्रकार से शूट किया जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे उस सीन की शूटिंग करते समय उस लड़की को एक केवल के सहारे हवा में लटकाकर शूट किया जा रहा है। दोस्तों, स्त्री 2 मूवी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक हॉरर कॉमेडी फिल्म का ख्याल आ जाता है, जो कि यह देखने में न सिर्फ डरावना लगता है बल्कि ये हमें हंसाता भी है। 15 अगस्त के दिन जब इस मूवी को रिलीज किया गया था एल, तब इसी दिन बॉलीवुड और साउथ से कई सारे मूवी भी रिलीज हुई थी, जैसे कि बेदा, खेल खेल में, थंगलान और डबल आई स्मार्ट। लेकिन इसके बावजूद भी इस मूवी ने अपने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन से सबको चौंका दिया। इस हॉरर मूवी को कहानी इसके फर्स्ट पार्ट स्त्री से जहां पर खत्म हुई थी, तो वहीं से इसके सेकंड पार्ट की स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू किया गया है। दोस्तों, स्त्री 2 मूवी में आपने एक सीन को देखा हुआ जहां पर सरकटा श्रद्धा कपूर का गला दबाता है, और अपने इस सीन में देखा हुआ कि सरकटा का हाथ काफी बड़ा होता है, और आपने इस सीन को देखने के बाद ये सोचे होंगे कि आखिर सरकटा का हाथ इतना बड़ा कैसे हो सकता है, क्या इसके शूटिंग के वक्त इसमें कोई CGI टेक्निक का यूज किया गया है। तो दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस सीन को बनाते समय थोड़ा बहुत CGI तकनीक का यूज किया गया है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वाकई में सरकटा का शरीर काफी बड़ा है। और आपको ये पता नहीं है तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मूवी में सरकटा का रोल सुनील कुमार ने निभाया है, जो कि वह जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और स्त्री 2 मूवी की शूटिंग के लिए एक ऐसे ही कदकाठी वाले व्यक्ति की तलाश थी जो कि मूवी में सरकटे का रोल निभा सके। इसलिए फिल्म मेकर ने सरकटे जैसा मेल खाता हुआ एक स्केच बनवाया और फाइनली सुनील कुमार को इस रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। और अगर आपको ये पता नहीं है तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वह इससे पहले भी कल्कि मूवी में अमिताभ बच्चन की जगह अश्वत्थामा के बॉडी डबल का रोल कर चुके हैं, जिसके कुछ फुटेज को आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सरकटे वाले एक्शन सीन को स्त्री 2 मूवी के अंदर किस प्रकार से शूट किया गया था। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सुनील कुमार काफी बड़े आकार के ड्रेस को पहने हुए है। दोस्तों, अगर आपने स्त्री 2 मूवी को देखा होगा तो आपको यह पता होगा कि सरकटे का दुनिया बाकी के दुनिया से काफी अलग और भयंकर था, जहां पर कोई साधारण सा आदमी आसानी से नहीं पहुंच सकता था। पर मूवी की एंडिंग में श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव उस दुनिया में इंटर कर जाते हैं, और आप यहां पर देख सकते हैं कि उस सरकटे के दुनिया को कुछ इस प्रकार से
ब्लू स्क्रीन लगाकर शूट किया गया था। दोस्तों, आप में से बहुत ही कम लोगों को यह पता होगा कि स्त्री मूवी के पहले भाग में फ्लोरा सैनी ने इसमें स्त्री का रोल निभाई थी, पर इसके दूसरे पार्ट यानी कि स्त्री टू मूवी में भूमि राजगोर ने स्त्री का रोल निभाई है, जिसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। दोस्तों, स्त्री दो मूवी के क्लाइमेक्स में जब सरकटा श्रद्धा कपूर का गला दबाता है, तब वह अपनी माँ को पुकारती है, जिसके बाद भूमि राजगौर वहाँ स्त्री के रूप में एंट्री लेती है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उस स्त्री के एंट्री वाले सीन को किस प्रकार से शूट किया जा रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि भूमि राजगौर और श्रद्धा कपूर को एक रस्सी के सहारे हवा में लटका कर इस सीन की शूटिंग की गयी थी। दोस्तों, स्त्री टू मूवी को नरसिंहगढ़ फोर्ट में शूट किया गया था, जो कि यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसी सीन में जब यहीं पर राजकुमार राव और उनके दोस्तों को सरकटे पीछा करने लगते हैं, तो वो सभी वहां से भाग जाते हैं। और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इस समय को कुछ भी बिहाइंड द सीन है। फिर इसके अलावा जब वह चारों दोस्त वहां से भागकर एक मेले में जाते हैं, जहां पर स्त्री के सम्मान में मेले लगे हुए होते हैं, लेकिन वहां पर सरकटा उन सभी दोस्तों पर हमला कर देता है। और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इस समय के कुछ बिहाइंड द सीन है। और दोस्तों, यही पर हमें तमन्ना भाटिया की आज की रात सॉन्ग भी सुनने को मिलती है, जिसकी अपने मूवी के अंदर देख ही होंगे। वैसे तमन्ना भाटिया के इस सॉन्ग को देखकर स्त्री मूवी के कमरिया सॉन्ग की याद आ जाती है, जिसमें नोरा फतेह ने अपने डांस से पूरे मूवी के अंदर आग लगा दी थी। और अभी इसके सेकंड पार्ट यानी कि स्त्री टू मूवी में तमन्ना भाटिया ने इसमें आइटम डांसर के तौर पर इस मूवी में काम की है, और उनका ये डांस अभी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हो रही है। दोस्तों, फिर इसके अलावा आप इस सॉन्ग की शूटिंग के दौरान राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी को देख सकते हैं कि वो कैसे मस्ती कर रहे हैं। फिर इसके अलावा आप इस सॉन्ग की शूटिंग के समय पंकज त्रिपाठी को देख सकते हैं। पंकज त्रिपाठी का कहना है कि यह सॉन्ग सुनने में इतनी अच्छी लगती है कि इसमें हम जैसे सिंपल आदमी भी डांस करने को मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप लोगों ने स्त्री टू मूवी में वरुण धवन की एंट्री वाली सीन तो देखी होंगे। वह इस मूवी के क्लाइमेक्स में श्रद्धा कपूर को बचाने के लिए एंट्री लेते हैं, और आप यहां पर देख सकते हैं कि उनकी इस एंट्री वाले सीन को किस प्रकार से शूट किया जा रहा है। दोस्तों, स्त्री टू मूवी का सभी गाना सुनने में वाकई जबरदस्त लगाती है, चाहे वह इसका आज की रात सॉन्ग हो या फिर आई नहीं सॉन्ग हो। यह सभी सॉन्ग आज का सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल होती जा रही है। और आप यहां पर देख सकते हैं कि आए नहीं सॉन्ग को किस प्रकार से शूट किया जा रहा है। वैसे अगर आपको ये पता नहीं है, तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस सॉन्ग में जो हमें सनफ्लावर का खेत देखने को मिलता है, वह एक मूवी का सेट था, जिसे कि आर्टिफिशियल सनफ्लावर से तैयार किया गया था। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इस पूरे सेट को किस प्रकार से तैयार किया जा रहा है। वैसे इस सॉन्ग के ऊपर इससे पहले भी हमने वीडियो बनाए हैं, जिससे कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों, स्त्री टू मूवी इस साल की तीसरी सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी मूवी मानी जाती है, जिसके लीड रोल में श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी और अपार शक्ति खुराना जैसे बेहतरीन कलाकार शामिल है। तो दोस्तों, ये थी स्त्री टू मूवी के कुछ जबरदस्त बिहाइंड द सीन और इससे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। वैसे दोस्तों, अगर आपने स्त्री टू मूवी को देखा है, तो आपको ये मूवी कैसी लगी है इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा,
ताकि हमें यह पता चल सके कि आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखे हैं, जिससे कि हम मूवी से रिलेटेड और भी वीडियोस को आप लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।